हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको लिंक जूसिंग के बारे में बताएंगे। जो हमने कल बैक लिंक बताई थी उसमें आपको हमने लिंक जूसिंग इंट्रोड्यूस किया था और लिंक जूसिंग क्या होता है और ये कैसे परफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें बताएंगे। लिंक जूस जो होता है अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आपके वेब पेज की रैंकिंग बढ़ जाती है, ट्रैफिक बढ़ जाता और आपका रिटर्न बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर जानेंगे तो आपका वेब पेज ज़्यादा अच्छे से सर्च इंजन में आएगा और ज़्यादा रैंक करेगा। तो वन बाय वन हर चीज़ों को इसमें बताएंगे, सो आप बीच में स्किप नहीं करिएगा तो आपको समझ में आएगा। लिंक जूस इज अ फ्रेज इन एसईओ दैट रेफर टू इक्विटी और वैल्यू दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन वेबसाइट और वेब पेज टू अनदर। एक पेज से दूसरे पेज पे जो लिंक जाती है वो लिंक जूस कहलाती है। अब लिंक हमने कल बैक लिंक में दो तरह की लिंक बताई थी, डू फॉलो और नो फॉलो। डू फॉलो जो होती है जिसमें आप की इंडेक्सिंग वेबसाइट पे हो जाती है, और नो फॉलो जिसमें आप अथॉरिटी नहीं देते जिसकी वजह से उसकी इंडेक्सिंग सर्च इंजन में गूगल में नहीं होती है। द वैल्यू हैज़ बीन पास्ड विल बी पास्ड थ्रू हाइपर लिंक सर्च इंजन कंसिडर लिंक एज अ वोट प्रोवाइडेड बाय अदर साइट। और जो आप ये लिंक भेजते हैं उसको दूसरी साइट आपकी वेबसाइट की क्या वैल्यू है और उसको क्या वर्थ करता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको वोट करते हैं। और आपकी ये जो लिंक जूस होती है वो आउटबाउंड लिंक को बाहर भेजती है कि जिसके थ्रू आपकी वोटिंग होती है। गूगल लिंक जूस कैन स्प्रेड अथॉरिटी वाइल यू आर बिल्ट इन टू वेज। अब आपकी ये लिंक जूस होती है दो तरह से आपकी अथॉरिटी को स्प्रेड करती है। पहली है इंटरनल लिंक हाइपर लिंक दैट डायरेक्ट रीडर्स बैक टू अदर पेज ऑन द सेम रूट डोमेन। अब एक ही पेज के अंदर जब आप ट्रेवल करते हैं तो इंटरनल लिंक होगी, और जब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाते हैं तो वो एक्सटर्नल लिंक होगी। अब इन दोनों जब इंटरनल वेबसाइट से एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाता है, एक्सटर्नल वेबसाइट से इंटरनल वेबसाइट पे वापस आता है तो उसको हम बैक लिंक कहते हैं, जिसको हमने दो तरह का बताया, डू फॉलो और नो फॉलो। एक्सटर्नल लिंक हाइपर लिंक दैट डायरेक्ट रीडर टू पेज ऑन डिफरेंट रूट डोमेन फ्रॉम वन कंटेनिंग द लिंक। अब ये डिफरेंट डोमेन पे जब आपकी जाती है तो वो एक्सटर्नल लिंक कहला जाती है, और वही लिंक जूस भी है। लिंक जूस वर्सेस पेज रैंक। लिंक जूस एंड पेज रैंक्स आर टू टर्म दैट आर ऑफन lumped together when Google first gave algorithm that calculates site ranking in its search result. PageRank. PageRank was a focus on site backlink profile in order to determine ranking. अब पेज कैसे रैंक हो रहा है ये लिंक जूस पे डिपेंड करता है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर आपका लिंक जूस अच्छा है तो आपकी रैंकिंग अच्छी होगी और आपके वेब पेज की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये लिंक जूस को क्या क्या डिटरमाइन करता है, लिंक जूस कितनी रेलेवेंस है, उसकी क्या वैल्यू है, किस पेज पे वो जा रही है और किस पेज को वो पॉइंट कर रही है, इस पे डिपेंड करता है। अगर लिंक जूस नो फॉलो है या आपने रोबोट टैक्स दे रखा है तो आपका बॉट लगा हुआ है तो आपकी लिंक की इंडेक्सिंग क्राउलिंग के समय नहीं होगी, जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। और अगर डू फॉलो लिंक होगी तो वो उसकी इंडेक्सिंग होगी और क्राउलिंग में वो इजीली एक्सेस की जा सकेगी लोगों के द्वारा, क्योंकि आपने अपनी अथॉरिटी पास की है लिंक जूस के थ्रू। अब लिंक लोकेशन क्या है आपकी, आप अगर गूगल मैप यूज़ करते हैं ना तो आपका यूज़र को भी आपका लोकेशन पता लगेगा और जो वेबसाइट पे आप लिंक भेज रहे हैं उसको भी पता लगेगा, और जिससे आपकी रीच जो होगी इन्फ्लुएंसिंग होगी और एक्सेस आप अच्छे से कर पाइएगा। द बॉटम ऑफ द पेज डू नॉट होल्ड एज मच वेट एज अ लिंक दैट इज प्लेस्ड विदिन द कॉन्टेंट। अगर आप ये लिंक आप अपने ही पेज में नीचे डालते हैं तो उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि आप कंटेंट के बीच में इस लिंक को डालते हैं। तो दूसरे के वेब पेज पे जब बीच में आप डालिएगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को विजिबल होगी। नंबर ऑफ लिंक अब डिपेंड करता है कि आप एक पेज में कितनी लिंक दे रहे हैं। अगर 4 देते हैं तो उसकी चारों की एक्सेस जो होगा वो लिंक का स्प्रेड जो होगा वो इक्वली होगा और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और ज़्यादा लोगों में आपका इंफॉर्मेशन जाएगी। साइट अथॉरिटी, लिंक फ्रॉम मोर अथॉरिटेटिव साइट्स सच एज अ प्रोमिनेंट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री लीडर्स कैन कैरी मोर वेट देन लेस वेल नोन अल्टरनेटिव। अगर आप ज़्यादा नोन वेबसाइट पे अपनी लिंक जूस को भेजते हैं तो वहाँ से आपको ट्रैफिक ज़्यादा होगा, लोग कमेंट ज़्यादा करेंगे, आपके रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलेगी और पेज की रैंकिंग तेज़ी से बढ़ेगी। और ऐसी साइट पे भेज देते हैं जहाँ पर आपको का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है तो आपकी ट्रैफिक भी नहीं बढ़ेगी और आपके पेज का रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं होगा। HTTP स्टेटस, जनरली लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जब आप कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं तो उसमें HTTPS और HTTP लगा होता है। तो HTTPS जो होती है वो सिक्योर स्टेटस होती है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की, और जब S नहीं लगा होता तो क्या क्या होता है। इवन दो गूगल रीड्स ऑल रीडायरेक्ट एज पासिंग पेज रैंक नॉट ऑल सर्च इंजन वर्क इन द सेम मैनर। द HTTP स्टेटस इफ द पेज रिजॉल्व। अब या आप अनसिक्योर साइट पे घुस गए हैं, उसमें 1xx आता है, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स, आपको केवल इंफॉर्मेशन मिल रही है। 2xx मतलब सक्सेसफुल हो गया आप, 3xx मतलब रीडायरेक्ट हो गया दूसरी साइट पे, 4xx मतलब क्लाइंट एरर है, आप अपने प्रॉपर लॉगिन करके नहीं घुसे हैं, और 5xx मतलब सर्वर एरर है। तो ये HTTPS स्टेटस जो होती है वो ये 5 तरह की होती है, लेकिन आपको HTTPS को यूज़ करना चाहिए ना कि HTTP को। क्यों? क्योंकि ये सिक्योर नहीं होता है। एडिशनल HTTPS विल रैंक हायर देन HTTP। ये अनऑथराइज अनसिक्योर साइट होती है जिसमें इस 5 तरह के स्टेटस आपको देखने को मिली है। कई बार लिख के आता है, आपको समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। 1xx हो तो समझ लीजिए इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स है, 2xx हो तो सक्सेस है, 3xx हो तो रीडायरेक्ट है, 4xx तो क्लाइंट एरर है, और 5xx तो सर्वर एरर होगा। कैन यू चेक लिंक जूस इन ऑर्डर टू चेक द क्वालिटी ऑफ लिंक सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर SEO एनालिटिक टूल। इसके लिए बहुत से एनालिटिक टूल है जिसमें सनरस, मॉज, गूगल एनालिटिक्स, एहफ और योस्ट करके आपकी साइट है जिस पे जाकर के आप लिंक जूस को चेक कर सकते हैं। अब आया दीज टूल्स आर यूज टू डिटरमाइन व्हाट लिंक डोमेन और पेज यू आर गोइंग टू यूज, वेदर इट इज गुड और नॉट। These tools are used to determine what link domain or page authority is and how authoritative link is. आपका ये जो लिंक आप है वो कैसी साइट पे आप जा रहे हो और उसकी अथॉरिटेटिव है कि नहीं है, ज़्यादा उसकी वैल्यू है कि नहीं है। सम यूजफुल मैट्रिक्स दैट कैन हेल्प एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ लिंक। तो वो कौन से मैट्रिक्स हैं जो वैल्यू करते हैं लिंक को डिटरमाइन करने में। डोमेन अथॉरिटी, a property matrix designed by Moz that use a 0 to 100 scale that approximate authority of the site level। आपके जो साइट होती है उसका 0 to 100 स्केल तक की लिंक हो सकती है आपकी लिंक जूस। डोमेन अथॉरिटी की रेफरिंग डोमेन, द नंबर ऑफ यूनिक डोमेन दैट आर लिंकिंग टू द वेबसाइट एंड और पेज द लिंक एग्जिस्ट ऑन। आप जो भी लिंक यूज़ कर रहे हैं वो किस डोमेन को रेफर कर रही है और उसका कितना पुराना डोमेन है। अगर पुराना है तो उसके एट्रीब्यूट के उसके मैट्रिक्स को आप एनालाइज कर सकते हैं। कैन इन्फ्लुएंस थिंग्स लाइक डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। और वहाँ पे आप 2 तरह की चीज़ों को चेक कर सकते हैं, दैट इज़ डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। तो जब आप इस टूल में जाइएगा तो वो आपको डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी दिखाएगा और उसकी रैंकिंग अगर हाई है तब आप उस पेज पे अपने लिंक जूस को डालिए, अदरवाइज मत डालिए। हाउ डज लिंक जूस बूस्ट योर ऑर्गेनिक रैंकिंग। अब आपका ये कैसे ऑर्गेनिक रैंकिंग को बूस्ट करता है। सबसे पहले क्या होगा, आप वेब पेज पे लिंक पर अगर क्लिक हायर होता है तो ट्रैफिक हायर होगा और ट्रैफिक हायर होगा तो प्रॉफिट और रिटर्न हायर होगा। तो इस तरह से लिंक यूज अगर अच्छा है तो आपका ट्रैफिक बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। हाउ इज लिंक वैल्यू कैलकुलेटेड इन एसईओ? एसएस यूनिक रूट डोमेन, डोमेन रेटिंग, स्पैम स्कोर्स, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, एंकर टेक्स्ट, मेंशन कॉन्टेक्स्ट। आपका जो लिंक आपने दिया है उस डोमेन पे क्या रेट है और उस पर स्पैमिंग तो ज़्यादा नहीं होती है, फालतू के कमेंट तो नहीं आते हैं। और नो फॉलो लिंक लोगों ने इसीलिए बनाना शुरू किया कि वो इस स्पैमिंग कमेंट से बच सकें। और उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है और उस पर जो हाइपर लिंक लगी हुई है किस तरह की है, ये सारे मैट्रिक्स आपके कैलकुलेट होते हैं लिंक यूज़ के एसईओ में। हाउ इज़ लिंक यूज़ कैलकुलेटेड? अब एसईओ तो आप लोग जानते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लिंक यूज़ को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसमें इंटरनल लिंक यूज़ टूल एंटर अ यूआरएल इनटू फील्ड। आप जो यूआरएल बनाते हैं उसको अपने फील्ड में डालिए। fill in the page rank of the page and go. The tool will then go check the number of link on the page. अब आप उसको जब डाल करके एंटर करिएगा तो वो आपको बता देगा कि कितने लिंक उस पेज पर अवेलेबल हैं और क्या इसकी रैंक है और किस पेज कितना रैंक कर रहा है, और उसका DAPA बता देगा, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। व्हाट इज़ अ DAPA? तो क्या है DAPA? Domain authority and page authority are indicator developed by Moz, a very respectable and reputable digital company, which predict how well the page will rank in search engine result. The score of DAPA is calculated algorithmically on the scale from 1 to 100. अब इसमें जो लिंक होती है कि वो 1 से 100 तक हो सकती है और उसका DAPA जो होगा वो 50-60 से ऊपर होता है तो वो रैंकिंग अच्छा करता है, और 1 to 100 के बीच में हो सकता है। हाउ लिंक यूज वर्क इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? तो ये लिंक यूज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कैसे काम करता है? लिंक यूज वर्क ऑन नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक पॉइंटेड टूवर्ड योर वेबसाइट। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि इंटरनल एक्सटर्नल लिंक के बीच में जो लिंक होती है वो बैक लिंक होती है और लिंक यूज उसी पे काम करता है। रैंकिंग ऑफ वेबसाइट ऑन सर्च इंजन यूजली डिपेंड ऑन लिंक यूज इट पासेज रिगार्डलेस ऑफ बैक लिंक इट हैज। तो वो बैक लिंक के रिगार्ड में यूज होता है। हाउ द लिंक यूज फ्लो इन एसईओ? तो एसईओ में उसका फ्लो कैसा होता है? नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट इफ योर साइट हैज मोर नंबर ऑफ लिंक अटैच्ड देन यू विल गेट हायर रैंकिंग, बट यू आर सर्टनली रॉन्ग इन दिस केस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे उस पेज पे ज़्यादा लिंक होगी तो ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी और ज़्यादा रैंकिंग होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ढेर सारे लिंक को पॉइंट आउट करते हैं लेकिन वो वैल्यूएबल नहीं है और रैंक नहीं कर रही है तो आपको रिस्पॉन्स कम वाले में भी अच्छा मिल सकता है। तो आउटबाउंड लिंक जो होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसको आप जो आपको पॉइंट कर रहा है वो अच्छा होना चाहिए। द लिंक दैट यू पॉइंट टूवर्ड्स योर साइट शुड ओनली पास द लिंक यूज टू योर साइट एंड नॉट टू द अदर। और आपका जो पॉइंट हो रहा है वो आपकी साइट पे है, ना कि दूसरों की साइट पे। जनरली इफ यू हैव अ डू फॉलो लिंक देन द लिंक यूज विल पास इक्वली टू ऑल आउट गोइंग लिंक ऑफ द वेबसाइट, एंड इफ यू आर यूजिंग नो फॉलो लिंक द लिंक डज नॉट रिसीव द लिंक यूज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। क्योंकि इसमें बॉट लग जाता है और आप अथॉरिटी नहीं देते हैं तो आपको लिंक यूज प्रॉपर यूज नहीं हो पाता है। लिंक यूज ट्रांसफर, नो फॉलो टैग आउटडेटेड, नॉर्मल लिंक यूज ट्रांसफर। अब आप अगर डू फॉलो लिंक यूज कर रहे हैं तो वो इक्वली सब साइट्स पे जाएगा, आउटबाउंड लिंक जो होगी इक्वली वर्क करेगी। लेकिन अगर आप नो फॉलो लिंक यूज कर रहे हैं तो आउटबाउंड लिंक जो डू फॉलो है वो तो बराबर से यूज होगी, लेकिन नो फॉलो लिंक में ज़ीरो परफॉर्मेंस हो जाएगी और आउटडेटेड लिंक काम नहीं करेगी। टिप टू इम्प्रूव द लिंक यूज ऑफ योर वेबसाइट। तो आप लिंक को कैसे वेबसाइट पे यूज़ करिए या वीडियोस पे यूज़ करिए, दैट टिप यू कैन फॉलो टू इम्प्रूव द लिंक यूज ऑफ योर वेबसाइट। इंक्लूड अ साइट मैप। अब साइट मैप होगा तो आपको भी पता लगेगा और यूज़र को भी पता लगेगा कि सर्च इंजन कैसे काम कर रहा है or internal link page of your website to one another will improve the rank, also improve the bounce rate of your blog. ब्लॉग के भी रेट को वो चेक करेगा. एक्सटर्नल लिंक आर इम्प्रूव द लिंक जूस ऑफ योर वेबसाइट, और एक्सटर्नल लिंक आपके लिंक जूस के वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट के लिंक जूस को इम्प्रूव करता है. अवॉइड पासिंग द लिंक जूस टू योर होम पेज, और एक ही अपने ही पेज पर लिंक जूस को यूज करना बेकार है. यूज द लिंक जूस वाइजली इन ऑल योर वेब पेज, और आप वेब पेज के एक ही पेज में नहीं, हर एक जगह पर लिंक जूस को प्रॉपरली यूज करिएगा तो आपका वेब पेज अच्छा रैंक करेगा. पॉइंट द रेलेवेंट लिंक टू योर वेबसाइट ओनली, देन द लिंक जूस विल बी बेनिफिशियल. और अगर आप वो ऐसे लिंक को पॉइंट कर रहे हैं वेबसाइट को जो आपको हायर रिस्पॉन्स देगी, आपका सर्च इंजन ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, तब आपको रिस्पॉन्स अच्छे मिलेगी. बेनिफिट ऑफ लिंक जूस इन एसईओ, तो उसका बेनिफिट क्या है? Providing is the higher rank in the search for your website to get quality and relevant link juice, get higher ranks, higher traffic. अभी ऊपर हमने जो बताया कि आपका सर्च अच्छे से करेगा, रैंक अच्छे से करेगा, क्लिक थ्रू रेट अधिक होगी, ट्रैफिक अधिक आएगा, और अगर ट्रैफिक अधिक होगा तो आपको प्रॉफिट और रिटर्न अच्छा मिलेगा. तो यही कंक्लूजन है कि आपके लिंक जूस यूज़ करने से वेबसाइट पे या वीडियोस पे क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा, बूस्ट होगी ट्रैफिक, लोग ज़्यादा देखेंगे, और आपको प्रॉफिट और रिटर्न मिलेगा, आपको सब्सक्राइबर और व्यूज़ मिलेगा. बाय यूजिंग लिंक जूस सो अपडेट योर साइट एंड स्टार्ट यूजिंग लिंक जूस नाउ. तो अगर वेबसाइट या ब्लॉग को या वीडियो को आपको रैंक कराना है, सर्च में लाना है और बूस्ट कराना है, तो आपको लिंक जूस को यूज़ करना चाहिए अभी से, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. इसके थ्रू आप अपने वेबसाइट, ब्लॉग और वीडियो को लिंक जूस यूज़ करके रैंक में ला सकते हैं, बूस्ट करा सकते हैं, और आपको अधिक व्यू और सब्सक्राइबर मिलेंगे, क्योंकि अधिक लोग उसको देखेंगे और अधिक लोग उसको जानेंगे. थैंक यू व्यूअर, दिस इज़ ऑल टुडे. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Follow my all social media links. Join my Telegram channel Tech Ratan. Thank you. Go to the community and comment on my poll and ask the question in the comment. Thank you.